गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठा हूँ और सुबह सुबह हम लोग गए थे टेलर के पास, वहाँ पे कोमल का ब्लाउज वगैरह सिलने के लिए पहले से भी दिया था और फिर कुछ नया सिलने के लिए नया दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस हम लोग को जाना है किट्टो के घर, क्योंकि कृतिक का बर्थडे है तो 3 दिन पहले से जाना पड़ेगा। पूजा भी है और गांव से भी लोग आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत बहुत लोगों से हम लोग कुछ लोगों से पहली बार मिलेंगे। क्या हुआ बेटा, आप लोग बोलते हैं आपका से बहुत बात करते हैं, इसलिए तो हम जल्दी ब्लॉग नहीं बना पाते, क्योंकि अब बोलते बाबू को अपने टाइम दो, हमारे दिन भर बाबू मेरे पास ही रहती है ना बेटा। दवाई खनखना रही है। तो गाइस जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही हैं, खोल दो, हाय कर दो, सबको हाय कर दो, हाय कर दो गुल्लू। क्या सोच रही है, पता नहीं क्या सोच रही है, क्या सोच रही हो क्या सोच रही हो, गुदगुदी बहुत है इनको, गुदगुदी बहुत है। गाइस सुबह धूप था, अभी पता नहीं ऐसा मौसम आ गया, से बदरी हो गया है, पूरा धूप खत्म चला गया। ओए पापा बोलो, पापा छन। अब भाई कोमल का तबीयत थोड़ा सा डाउन है, कल रात से ही लूज मोशन काफी ज्यादा हो रहा है। क्या मम्मा को बुला लो। क्या जी, दवाई खा रहे हैं, दिखा दो दवा इनको। कल मैं रात में भी लाया था, सुबह गया फिर डॉक्टर को दिखा के दवा लाया हूँ, इतने 10-12 बार लूज मोशन कर लिया है, इससे शरीर इनका पूरा छटक गया है, ऊपर से बोले लूज मोशन, बोले कपड़े मत धुलो, लेकिन फिर भी लड़की मानती नहीं है, लगा दिए हैं, धुला रहे क्या, हमको धुलना थोड़ी है, मारो ना मारो। तो यहाँ इनकी दीदी भी है, नाश्ता पानी आज यही बनाई है, आज बनाई थी बढ़िया सा पोहा, और चाय तो मैं पीता नहीं हूँ, मैं बस गर्म पानी या ग्रीन टी वगैरह यही सब लेता हूँ। तो यहाँ इनके बच्चे भी सो के उठ गए हैं, बच्चे आजकल यहाँ पता है ये बच्चे के यार इन लोग का भी टाइम टेबल बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हम चलते हैं, नहाते हैं गाइस, नहा के आते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर बहुत सारा काम है यार, अभी पता है बर्थडे का जो गिफ्ट है वो हमने गिफ्ट भी अभी नहीं खरीदा है, और क्या खरीदते हैं क्या नहीं, अभी इनके लिए चूड़ी ज्वेलरी वगैरह सब लेना है, क्योंकि जो साड़ी है ज्वेलरी है ऑनलाइन मंगा लें, ऑनलाइन आ जाएगा तुम्हारा 2-3 दिन में, बात तो किए थे संपूर्ण वाली से, क्या बोले, बोले कि बताते हैं, मैसेज अभी देखे नहीं जाए, देखे तब ना कॉल कर लो ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे एड्रेस दे दे, वहीं पे आ जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्या बिट्टू, चलिए गाइस मैं जाके नहा के आता हूँ, फिर लोग से मिलते हैं। A few moments later, गाइस नहा धो के आ गए हैं और घर बाबू को जा रहे हैं थोड़ा सा खाना खिलाने, क्या खाओगे बाबू, इनके लिए मैंने चावल लाया हूँ घी डाल के नमक डाल के, कि यही थोड़ा बहुत खाती हैं, नहीं खाती हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है, तो जो खाती हैं वही खिलाते हैं, तो जब बच्चे कुछ खा लेते तो मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। क्या खाओगे, इनको लगा मैं स्वेटर वेटर पहन लिया नहा के, इनको लग रहा है मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगी बेटा, अब इनका मुंह बना हुआ है क्योंकि इनका तबीयत खराब है। सोच रही कि यार 4 दिन बाद पार्टी है और अभी से ऐसा हालत हो गया है, क्योंकि जब लूज मोशन ज़्यादा होता है तो चेहरे की जो रौनक होती है चली जाती है, तो मैंने इसलिए इनके लिए एक ट्रायल पाउडर भी लेके आया हूँ और 1 लीटर पानी बना दिया हूँ, इसे पियो और जितना जल्दी पियोगे ना उतना जल्दी तुम्हें आराम मिलेगा। तो भाई सर आप लोग बहुत बोल रहे थे कि भैया आपने, मतलब कुछ लोग कमेंट आ रहा था कि मतलब ज़्यादा नहीं 5-6 लोग, भैया आपका वेट कितना लूज हुआ, तो भाई अभी मेरा वेट 3 किलो लूज हुआ है, तो मतलब 1 महीने के अंदर 3 किलो वेट लूज हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है। क्या देखो, अगर वेट लूज करना है तो भाई थोड़ा खाना पीना का परहेज करना पड़ेगा, बाहर का चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, क्यों। तो चलो बाबू कुछ खिला देते हैं, आओ
देना चावल देना। पापा चावल बनाना। मैं अपने हाथों से बाबू के लिए राइस बनाया हूँ, फिर घी डाल के लाया हूँ, उनके बाबू को अपने खिलाएंगे। ये खाओगे ना, खा लो अपने हाथ से, खा लो अपने हाथ से। एक तो खाएंगे और खा लो, और खा लो। मम्मा खिला रही नहीं खिला खा रही है, पापा खिलाएंगे तब खाएंगे। खा लो मम्मा के साथ रहेंगे। खा लो खा लो, इनको अपने से खाना अच्छा लगता है। तो चलिए इनको पहले खिला देते हैं। यहाँ पे दीदी कपड़े वगैरह धुले, वॉशिंग मशीन लगा के और बाकी इतना धुल के यहाँ पे टांग दिया है। दीदी भी एक दो दिन में चली जाएंगी, इनका टिकट देख रहा था तो हमको, तो दीदी अब मंडे को जाना बोल रही हैं यार, और घर जाना है क्योंकि वहाँ पे पति देव उनके अकेले हैं। कैसे खा पी ले रहे ना वो, बोल रहे बाबा उनके पति भी बोल रहे आओ आओ आओ। सही बात है, अपना घर छोड़ के इंसान कितना दिन बाहर रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते और 10 दिन। क्यों जी, पति लोग का तो मन ही नहीं लगेगा, अगर घर पे रहेंगे तो लड़ाई। ये भी बोल रही मैं भी जाऊंगी, हमको पागल हो गया तुम जाओगे यार, मैंने इनको मना कर दिया। पति देव लोग को ना जब बीवी चली जाती तब उनका एहसास होता है, ऐसे नहीं रहता है घर पे। ये बात सही, ये बात तुम सही कह रही हो। अच्छा तो दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे बिस्तर भी लगा हुआ है, अभी हटाएंगे कि मम्मा आ रही हैं, कपड़े धुल रही हैं। बेटू उनका तबीयत नहीं सही, इसलिए आराम से तुम आराम करो आज। 14 बार पोटी बाप चावल ओ मेरे घोड़े। कल हम किए थे 6-7 बार पोटी, सुबह से अभी किए हैं 4 बार। वो इलेक्ट्रॉल पाउडर भी उसी से तुम्हें आराम मिलेगा, ये तो उसी से आराम मिलेगा। ठीक है, इतने सारे कपड़े धुल गए हैं तो दीदी का बहुत बहुत सपोर्ट प्यार मिला, तो बहुत अच्छा लगा। मौसम देखते कितना हो गया है, हल्का धूप था, बिल्कुल बादल हो गया है, बारिश की संभावना है, कल बारिश होगी पक्का। हाँ दिखा रहा था वीडियो में, मतलब सॉरी वेदर में दिखा रहा था कि बारिश होगा कल बहुत। तो चलो गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। अपने से खजबे करिए, खा लो अपने से। गाइस अभी हम लोग के सामने बहुत बड़ी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। जैसा कि आप लोग को पता है कि कृतिका बर्थडे है, और बर्थडे है तो भाई मामा मामी की तरफ से क्या गिफ्ट जाए ये थोड़ा सा संशय में है। ऐसे क्या दूं यार, आप बताओ, जो हमारी वाइफ जी बोलेंगी हम वही करेंगे, बताओ क्या देना है। और क्या मानते हैं तो है यार, जब इंसान मानता है तो मनवाता भी है। तो गाइस हर 10 मिनट आधे घंटे पे दीदी इलेक्ट्रॉल का पानी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा हेल्प और सपोर्ट मिला। पी लो, जो घर संभाला होता है वो घर संभाल लेता है, चाहे कैसे भी सिचुएशन में हो। तो ये इलेक्ट्रॉल पाउडर पी रही है, तो उसके बाद बताएंगी क्या क्या दें, कुछ बताओगी आइडिया। उसको भी शॉपिंग तो करना पड़ेगा। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि मैं उनको दूंगी एक कपड़ा, हो गया प्यारा सा कपड़ा दूंगी मैं, क्योंकि मैंने बाबू नामकरण में भी दिया था, वो भी कपड़ा बहुत ही प्यारा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो एक कपड़ा दूंगी और सोच रही हूँ एक लिफाफा में पैसे वगैरह डाल के दे दूंगी, और 2-3 या 1-2 खिलौना भी दे दूंगी। वैसे तो खिलौना के लिए मतलब जब भी हम देते हैं तो सब मना करता है, मत दो पड़ा हुआ है बहुत सारा, खेलता नहीं है, तो लेकिन फिर भी दे देते हैं। हम लोग का बच्चा है, छोटा है, तो कुछ और क्या, और कुछ निशानी ले लेंगे जो हमेशा इंसानियत करेगा। ये भी बहुत सही बात है, तो आपने बहुत अच्छा, मतलब मैं सोच भी रहा था कि ऐसे ही कुछ गिफ्ट दे, लेकिन आपकी मम्मी पहले से सब ख्याल आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो आप इतना अच्छा सोचते हो बच्चों के लिए सबके लिए। तो कोमल ने गाइस सही सोचा है या कुछ कमी रह गई तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे तो मेरी तरफ से पूरा कम्प्लीट है, बाकी हम चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली भी बताए कि क्या कोमल ने सही सोचा है। तो गाइस जो उन्होंने सोचा है हम वही गिफ्ट देंगे। और बेटू हमारी वहाँ बैठी हुई है और इनका तबीयत नहीं सही है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम भी घर पे ही हैं, अभी जाएंगे थोड़ा सा कुछ इनके लिए लेके आएंगे, फ्रूट वगैरह खाएंगे तो सही रहेगा। सोच रहे केला वाला के दे दें क्या, थोड़ा सा पेट को आराम मिल जाएगा। केला हम नहीं खाते, नहीं तो मंगा लेते हम। गाइस पता है फ्रूट्स में हमें बस अनार अंगूर आम, बस ये 2-3 फ्रूट्स पसंद है, वरना हम कुछ नहीं खाते हैं, और पपीता खाते हैं। मुझे भी यार शेविंग वगैरह कराना है, बहुत बाल बड़े हो गए हैं। सेब संतरा ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं केला तो और नहीं पसंद है।
तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आप लोग से मिलते हैं अच्छे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म लगा दिया है, फटाफट जाके नहा लो, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है ना, जब भी कोई नहा के आएगा तो एक के लिए पानी लगा के आएगा, क्योंकि सुबह सुबह पानी जो लगता है तो मतलब ऐसे नंबर करके, क्योंकि ठंडा है दिल्ली में तो गर्म करके लोग नहाते हैं, एक ही लोग के नहाने का पानी गर्म होता है ना। तो बच्चे अभी नहीं नहा रहे हैं, अभी कभी नहीं नहाए हैं, उसको हफ्ते में एक दिन या दो दिन नहलाते हैं, संडे है, कल नहला देंगे ना उसको। एक बार देखना कैसे करती है, ये उतरना भी सीख गई, फट से उतर के भागती है। चली गई। तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग हम समाप्त करते हैं, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली।